मेहंदी की रस्म में महिमा उसकी मॉम से ही उसकी शादी अर्जुन से दुड़वाने का प्लान करती है। जब महिमा रात के वक्त प्रद्युमन को उसके कमरे में मिलने बुलवाती है, महिमा प्रद्युमन के हेल्प से नयन की इंसल्ट करने का प्लान करती है। मेहंदी की रस्म में सम्राट अपने हाथ पर एन लेटर लिखवाने के लिए कहता है। जब नित्य कहती कि एन लेटर क्यों, तो सैम कहता है कि उसकी वाइफ का नाम एन लेटर से शुरू होता है। कि तभी सैम नयन को हाथ पर यस लेटर लिखवाने के लिए कहता है। सबके सामने जब रोमिला कहती है कि यस लेटर से तो सम्राट का नाम शुरू होता है, तो सैम कहता है कि हाँ सम्राट ही लिखवा रहा हो। सैम की बातें सुनकर और नयन का रिएक्शन देखकर नित्य को शक हो जाता है। नित्य जब सम्राट से सवाल करती है कि क्या रिश्ता है आपका नयन तारा के साथ, तब सम्राट कहता है कि हाँ रिश्ता तो है और बहुत गहरा है। जब नित्य सैम की बातें सुनकर फुल शॉक हो जाती है, सम्राट नित्य को बात क्लियर कर सच बताता है कि क्या रिश्ता है उनका। वैसे सीरियल यह है, चाहते में नित्य नयन के सच छुपाने पर उससे नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। जब नयन नित्य से सवाल करती है, तब नित्य कहती है कि क्यों उसने ये छुपाया कि सैम और तुम में दोस्ती हो गई। नयन सोचती है कि अब तो सैम और वो कभी मिल तो नहीं पाएंगे, इसलिए सच नहीं बता पाएगी। इसलिए नयन नित्य से झूठ कहती कि वो दोस्त नहीं। नित्य नयन को सम्राट से दूर रहने के लिए कहती है और महिमा को रोमिला के उकसाने पर शक हो जाता है कि नयन और सैम में कुछ तो रिश्ता है। इसलिए महिमा प्रद्युमन और सम्राट को सामने लाकर गलतफहमी में नयन की इंसल्ट करने का प्लान करती है। देखना तो ये होगा कि क्या नित्य सैम और नयन का सच जान पाएगी, क्या होगा नित्य का सच जानकर रिएक्शन, क्या नित्य अर्जुन की शादी महिमा से होने देगी, क्या सम्राट प्रद्युमन को महिमा से शादी करने से रोक पाएगा। जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।